जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शफीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं मौलाना साहब से बात कर सकता हूँ? जी जरूर बात कीजिए। जी मौलाना साहब, एक अजीब सी मेरी तबीयत हो गई है, बहुत बेचैनी सी है, नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँ कि मसला क्या है। हेलो जी, आप बता, आप बताएंगे भाई तो इंशाल्लाह मौलाना साहब को वजीफा बता। मैं आपको, मैं असल में वो मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा, तो मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन इसका हो नहीं रहा। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है? तो मैं उससे माफी मांगू कि, लेकिन अब हो नहीं रहा। मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या? क्या वालदा डर गई है मेरी। अल्लाह इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई नहीं चलता, मैं अपने आप को जी चाहता, मैं अपने आप को नोच लूं अपने नाखूनों से। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। ये इतना सालों का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? मैं माँ से माफी मांगू, मैं किससे माफी मांगू, मैं कैसे माफी मांगू? मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। मेरे भाई आपकी गुफ्तगू सुन के ना मेरा जिगर मुंह को आने के करीब है। वो एक आशिक ने ना, आशिक था, उसको माशूक ने कहा था कि माँ का जिगर लाओगे तो तुमसे शादी करूंगी, तो उस बदबख्त ने जाके माँ को छीरा, माँ का जिगर निकाला और चलता हुआ दौड़ा कि मैं अपने माशूक से कहूं कि ले, मैंने अपनी माँ का जिगर काट के तेरे सामने पेश कर दिया। तो वो भागने लगा, जब वो भागने लगा तो वो कहीं ठोकर लगी तो वो गिर गया, जैसे ही गिरा तो कलेजे से आवाज आई, शाला खैर होवे मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर, अल्लाह शाला खैर होवे मेरा बच्चा, जो लोबा पेट में रख खुद न खाए तुम्हें खिलाए, खुद न पिए तुम्हें पिलाए, खुद सर्दियों की रातों में खिड़की दरवाजों के करीब सोए, तुम्हें लिहाफ पहनाए, लोगों के घरों में बर्तन भाजे और तुम्हारा पेट पाला, उसके बाल सफेद हो गए, उसके आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। एक मां, आज एक मां ओल्ड होम में मर गई है एक बेटे के हाथों, जिसके पैरों तले जमीन थी, जिसके पैरों तले जन्नत थी, तुमने उसी माँ का जनाजा निकाल दिया। तुम इस कायनात के कातिल हो, तुम इस कायनात के खूनी हो, जिसने तुम्हारे जैसे दरिंदे को जिंदगी दी, तुम्हारे जैसे दरिंदे को वजूद बख्शा। फरहान भाई, इस माशरे पे कयामत क्यों नहीं आएगी, जहां माँ जैसी ममता को लोगों ने ओढ़ो में बिठाया हुआ है। माँ जैसी ममता देख के बिना देख रही हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है, उस अल्लाह से माफी मांगे, उसकी कब्र पे जाके रोए कि बाबा मैं तुझे आज भीख मांगता हूँ, खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी दुआएं आसमानों तक भी नहीं उठेगी। अगर तुमने ये माँ, ये तुम्हारे लिए जन्नत थी, ये माँ ये तुम्हारे लिए दुनिया व आखरत का बेहतरीन सर चश्मा था, लेकिन याद रखना मैं थोड़ा जज्बाती इसीलिए नहीं हुआ, हमारी माए तो गुजरी, हमें तो दुआएं देने वाला भी कोई, लेकिन किस जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो उसमें क्या बीतती है। अरे बीवी अपनी जगह पर मुकद्दम है, माँ मुकद्दस है, माँ मुकद्दस है, उसके मामा तकल्ला हुआ, ओफ भी नहीं करना, वो मेरा माँ कबार बयानी सगीरा, कैसे तुम्हें नहलाया, कैसे तुम्हें खिलाया,
नवाले बना बना के तुम्हें खिलाए, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें कभी लड्डू कहा, कभी अपनी आंखों का तारा कहा, कभी अपने दिल और जिगर का चैन कहा। तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसके साथ क्या उधारा। यदि आवाज जहाँ तक भी जाए, अपनी माओ की कदर कर ले, जब तक के उस पे मट्टी ना पड़े, अपनी माओ की कदर करे। अगर हमने अपनी माओ की कदर नहीं की, याद रखना आपसे पूछा गया कयामत कब आएगी, का जब माँ बाप का गरेबान पकड़ ले औलाद, तो कयामत आ गई है कयामत। कौन सी निशानी है जो पूरी नहीं हुई, माँ बाप, माँ तो माँ होती है, जानवर भी अपने माँ से मोहब्बत करता है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है।